अनवेश, आप देख रहे हैं पीएचपी प्रोजेक्ट और आइए स्टार्ट करते हैं अपना वर्क और आगे का जो हमारा काम है उसे कंप्लीट करते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इंसर्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना। अभी हमें क्या देख सॉरी इंसर्ट यूजर, अभी हमें क्या यहाँ पे करना है कि व्यू यूजर, जो भी यूजर हम इंसर्ट कर रहे हैं उनको व्यू करना है। तो यहाँ से व्यू यूजर जब कोई क्लिक करेगा तो एक यूआरएल वेरिएबल आ जाएगा व्यू यूजर का, और उस वेरिएबल के साथ हम यहाँ पे ये करेंगे कि अपने इंडेक्स वाली फाइल में यहाँ पे बताएंगे कि अगर व्यू यूजर्स मिलता है तो क्या करना है, ठीक है। और इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे और ये लिख देते हैं व्यू यूजर। तो जब भी यूआरएल में व्यू यूजर नाम का कोई भी यूआरएल वेरिएबल एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि व्यू यूजर डॉट पी एच पी नाम की फाइल को इंक्लूड कर दी जाएगी। तो इस फाइल को हम सेव कर देते हैं अपने एडमिन एरिया में व्यू यूजर डॉट पी एच पी के नाम से, ठीक है। और इसमें आगे का काम अपना करते हैं। तो इसमें क्या वो लिखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, व्यू यूजर्स एंड देन यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे इसको रख देते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये है हमारा सेशन। अब यहाँ सेशन क्या है वो आपको पता ही है, सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, यहाँ से मैंने पहली रो स्टार्ट की है, ठीक है। पहली रो स्टार्ट करने के बाद में कॉल पूरी स्क्रीन का कॉलम लिया है और उसके बाद में फिर रीड कैम एक्टिव और यहाँ पे लिखा है व्यू यूज़र, ठीक है ना। अब ये डिब यहाँ पे क्लोज हो गई पहली, फिर दूसरी डिब यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया है कि फिर वही पैनल, पैनल हेडिंग भी, पैनल का टाइटल यहाँ से यहाँ तक लिया और इसमें लिख दिया व्यू यूज़र्स, और यहाँ पे क्या किया यूजर्स लिख दिया। यहाँ पे फिर डिबली एक बॉडी की, इसमें टेबल के लिए रिस्पॉन्सिव की क्लास लगाई, यहाँ पे टेबल बनाया, टेबल की सारी क्लासेस दी, टेबल का हेड लिया, टीआर लिया, और इसके बाद में फिर यूज़र नेम लिया, यूज़र ईमेल लिया, यूज़र इमेज, ईमेज कंट्री, यूज़र जॉब एंड डिलीट यूज़र का एक ऑप्शन दिया और टीआर क्लोज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से टी बॉडी ली और टी बॉडी के अंदर अपना हम पीएचपी का काम स्टार्ट किए हैं। यहाँ से हमने कहा कि भाई सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एडमिन, एडमिन से सबको सेलेक्ट कर लो और इसको रन करवा दिया MySQL क्वेरी की मदद से। पहला पैरामीटर दे दिया इसमें डेटाबेस का और दूसरा दे दिया ये वेरिएबल जिसमें हमारी ये क्वेरी स्टोर हो रखी है। यहाँ से वाइल लूप चलाया और सारा डेटा फेच करके इस रो एडमिन में स्टोर कर दिया। उसके बाद में फिर एडमिन आईडी दी यहाँ पे, एडमिन आईडी, यहाँ पे एडमिन नेम और सारी चीज़ें जो वहाँ से हमें फेच कर रहे थे वो सारी चीज़ें उठा के हमने यहाँ पे दिखा दी और यहाँ पे स्टोर कर दी, ठीक है ना। इसको करने के बाद में यहाँ पे हमने एडमिन नेम को डिस्प्ले किया, एडमिन ईमेल को डिस्प्ले किया, एडमिन इमेज को किया, कंट्री, एडमिन जॉब, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया डिलीट करने का और एडमिन आईडी में भेज दी, यहाँ पे ट्रेस के साथ डिलीट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका वाइल लूप क्लोज हो गया, यहाँ पे टी बॉडी क्लोज हुई, यहाँ पे टेबल, यहाँ पे टेबल रिस्पॉन्सिव की जो डिप शुरू हुई थी वो क्लोज हो गई, यहाँ पे पैनल बॉडी क्लोज हुआ, यहाँ पे पैनल डिफॉल्ट क्लोज हुआ, यहाँ पे आपका कॉलम जो स्टार्ट हुआ था लार्ज स्क्रीन का वो क्लोज हुआ और ये सेकेंड रो जो थी वो कंप्लीट हुई, यहाँ आपका सेशन का एल्स पार्ट कंप्लीट हुआ। इसको कंट्रोल यस करके सेव करते हैं और आते हैं अपने ब्राउजर पे और यूजर को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए सारे यूजर्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं कि कौन क्या है, किसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो ये हो रहा है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और डिलीट पर काम करते हैं, यूजर को कैसे हम डिलीट करेंगे।